हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल पर। एक न्यूमेरिकल हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑन साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम फॉर नॉन रेक्टेंगुलर विंडो। आइए देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, और इस न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो मैंने कैलकुलेट की हुई हैं और कुछ आपको कैलकुलेट करनी होंगी। तो एक बार इसका प्रोसीजर आप समझ लीजिए, फिर इसी से रिलेटेड मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा और आप उसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है। इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। देखिए, ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। एक क्वेश्चन गिवन है मुझे, उस क्वेश्चन में एक नॉन रेक्टेंगुलर विंडो गिवन है जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं, दिस इज़ पॉइंट V1। ये V1 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,0। ये देखिए V2 कोऑर्डिनेट है, इस V2 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2। फिर ये देखिए V3 पॉइंट है, V3 का कोऑर्डिनेट है 1,4। फिर ये आप देख रहे हैं पॉइंट V4 जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6। ये V5 है, दिस इज़ 5,4 एंड दिस इज़ V6 5,2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो इस नॉन रेक्टेंगुलर हेक्सागन के ऊपर हम इस साइरस बेक एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करी है, दैट इज़ इंटरसेक्टिंग दिस हेक्सागन ऑन टू कोऑर्डिनेट्स। ये P1 P2 एक लाइन है, P1 का कोऑर्डिनेट है -2,1 एंड P2 का कोऑर्डिनेट है 6,3। तो ये लाइन इस हेक्सागन को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। बट ये एक रफ डायग्राम है, मतलब अंदाजे से बनाया हुआ। इसमें ये कंफर्म नहीं है कि पॉइंट V2 से ही इंटरसेक्शन हो रहा है और यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे हो रहा है। ये एक अंदाजे से बनाया हुआ है। जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन यहीं कहीं हो रहा है। तो हमें उन दोनों पॉइंट्स को निकालना है। बाकी इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम आपसे पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि टी की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन पे अगर कोई इंटरसेक्शन मिलता है। तो उसे आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, उसी को हम यहाँ न्यूमेरिकल के पर्पज से डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने वही फार्मूला रिपीट करके लिखा हुआ है, TI इज इक्वल्स टू NI विद इन ब्रैकेट P-I माइनस P1 डिवाइडेड बाय NI इंटू P2 माइनस P1। यहाँ पे मैंने आई को लेकर के रखा हुआ है, यहाँ पे आई की वैल्यू नहीं पुट की है क्योंकि हमें यहाँ पे 6 साइड्स हैं। तो आई की वैल्यू को हम 1 से 6 तक वेरी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे। टी की सारी वैल्यूज़ आई की 1 से 6 तक की वैल्यूज़ के लिए हमें कैलकुलेट करनी होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस हेक्सागन में जितनी भी साइड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि जो भी नॉन रेक्टेंगुलर विंडो होगी उसकी हर साइड पे आपको एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करना होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने V1 से V2 की जो ये लाइन है इस पे हमने एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया है, दैट इज़ N1। ये ग्रीन कलर से हाइलाइटेड है। इसी तरीके से हमने V2 से V3 पे N2, V3 से V4 पे N3, सेम एज इट इज़ N4, N5 एंड N6। ये सारे हमने नॉर्मल वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। ये सारे आपको यहाँ पे ईजिली दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं नॉर्मल वेक्टर्स की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको कभी मत भूलिएगा। साइरस बेक एल्गोरिथम के लिए एक लाइन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज़ PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस T इंटू P2 माइनस P1, और एक ये फार्मूला जो हमने इसी की हेल्प से डेराइव किया है। प्लस इसके साथ कुछ और बातें मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने हाईलाइट की हैं। दिस इज़ फॉर नॉर्मल वेक्टर। हम जब किसी नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दो सिचुएशन ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो ये कि जब कोई भी कोऑर्डिनेट आइदर x और y रिड्यूस होगा तो उसकी वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, और अगर इंक्रीज होगा तो +1 पुट करेंगे फॉर द नॉर्मल वेक्टर। ये केवल नॉर्मल वेक्टर के लिए सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी कैलकुलेट की हैं, N1 से लेके N6 जो हमारे नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं। देखिए, हम बात करते हैं N1 की। तो N1 जो हमारा आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है, आप इसको देख सकते हैं कि ये नीचे की ओर डायगनली जा रहा है,
तो जब ये डायगनली नीचे की तरफ जो है ट्रेस हो रहा है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जब ये इस पोजीशन से आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा वो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये N1 जा रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है ऑब्वियस ही बात है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होती है और हमारा जो N1 वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं N1 के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1 रखी है। अब बात करते हैं वाई की। वाई भी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स को -1 -1 पुट किया है। सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं N2 नॉर्मल वेक्टर। N2 नॉर्मल वेक्टर देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑपोजिट की तरफ जा रहा है नेगेटिव एक्सिस पे, तो इसमें आप ये साफ साफ जानते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू जा रही होगी तो ऑब्वियस ही बात है उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है। और अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस वजह से इस पूरे मतलब ट्रेस आउट में वाई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि जब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पॉइंट है यहाँ पे और उसे हम आउटवर्ड नेगेटिव एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो उससे जो लाइन ट्रेस हो रही है, जो लाइन प्लॉट हो रही है इस तरफ बढ़ने से, वो लाइन अगर हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़ीरो होगी और एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी। उसी लिए हमने एक्स को -1 लिया है, वाई को ज़ीरो लिया है। सेम इसी तरीके से देखिए N3 की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है और वाई जो है वाई हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज़ पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे वाई को पॉजिटिव लिया है आप देख सकते हैं और एक्स को नेगेटिव लिया है N3 के लिए। सेम इसी तरह आप N4 को कंसीडर करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, और वाई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक्स इधर की तरफ बढ़ रहा है, वाई इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो N4 के लिए हमने देखिए आप दोनों को पॉजिटिव लिया है। फिर N5 के लिए जब हम बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसमें वाई की वैल्यू जैसे इसके लिए ज़ीरो थी N2 के लिए, वैसे ही N5 के लिए भी ज़ीरो होगी। फिर आप देख सकते हैं N6 के लिए हमने लिखा है, N6 की सिचुएशन बिल्कुल N1 की तरीके से है, इसमें जो हमारा वाई है वो डिक्रीज़ हो रहा है और एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक्स को पॉजिटिव वाई को -1 लिया है हमने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने सभी नॉर्मल वेक्टर्स की वैल्यू को इस पूरे हेक्सागन विंडो के लिए कैलकुलेट कर लिया है या ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। अब देखिए हमारी आधी प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो गई है, जब हमने नॉर्मल वेक्टर्स को जो है डिफाइन कर दिया तो उसके बाद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम बची नहीं रह जाती है, अब हमें सिंपल कैलकुलेशन पार्ट समझना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जो यहाँ पे अभी मैंने आपको डिस्कस नहीं करी वो भी आपको ध्यान देनी होगी, दैट इज़ पॉइंट P एट HI। देखिए जब इस V1 V2 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे इसके पहले ट्रायंगुलर डायग्राम में हमने आपको ये चीज़ समझाई थी कि हम कहीं पे भी एक कोई पॉइंट P कंसीडर कर सकते हैं किसी भी HI पर, तो सेम उसी ढंग से हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी मुश्किलें ना बढ़ाते हुए जो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन हैं उन्हीं को हमने एक एक करके पॉइंट पी मान लिया है उस पर्टिकुलर एज के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट P1 दैट इज़ 3,0, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है फॉर हेक्सागन, हेक्सागन का एक कोऑर्डिनेट है V1 दैट इज़ 3,0, इसी को हमने पॉइंट P1 मान लिया है 3,0। इसी तरीके से हम अगली एज के लिए दैट इज़ V2 V3, उसके लिए हम P2 मान लेंगे 1,2 को, फिर उसी तरीके से P3 हमने लिया है 1,4 दैट इज़ फॉर नेक्स्ट एज V3 V4 1,4, फिर अगली एज के लिए हम लेंगे 3,6, फिर अगली एज के लिए लेंगे 5,4, फिर अगली एज के लिए लेंगे 5,2, V6 से V1 के लिए 5,2। ये देखिए हमने सारे वर्टिसेस जो है हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब देखिए अब हमारा काम काफ़ी आसान होता जा रहा है, अब हमें केवल कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और बाकी हमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अब कैलकुलेशन में क्या है।
अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है T1। T1 हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है T2 से लेकर के T6 की सारी वैल्यूज़। अब समझ लीजिए इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए T1 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपको फॉर्मूला यही वाला यूज़ करना है। अब यहाँ पे I की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे T1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो N1 हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए N1 हमारा यहाँ पे हमने -1, -1 निकाला है, वही हम ऊपर नीचे सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है हमने, फिर उसके बाद अंदर लिखा हुआ है PI-, आई की वैल्यू 1 है T1 के लिए, तो P1-, हमने यहाँ पे लिया है 3,0, तो वो हमने 3,0 लिख दिया यहाँ पे। माइनस P1, P1 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन दैट इज़ इंटरसेक्टिंग द हेक्सागन, तो दिस इज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन P1, P2, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ -2,1, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में N1 की वैल्यू एज इट इज़ जैसे हमने न्यूमरेटर में लिखी थी वही लिख दी है। फिर P2-P1, दिस इज़ P2, 6,3, ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, P2 इज़ द सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन दैट इज़ इंटरसेक्टिंग द हेक्सागन, तो ये 6,3 हमने लिख दिया है। फिर माइनस P1 वही जो ऊपर लिया था हमने -2,1। तो इतना करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, जब कोऑर्डिनेट्स को आपस में हम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन को, तो कैसे अप्लाई होता है वो देख लीजिए आप, उसके बाद इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होगी आपको। केवल कैलकुलेशन एक बार समझनी है, उसके बाद आप सारी वैल्यूज़ ईजिली निकाल लेंगे। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले अंदर का जो ब्रैकेट का पार्ट है वो हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का साइन, तो बिल्कुल जैसे आप मैथमेटिकली नेगेटिव ऑपरेशन या माइनस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप अप्लाई करेंगे। देखिए हमने बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अप्लाई किया है, 3-, ये माइनस का साइन है वो माइनस हमने यहाँ पर लिखा, फिर ये कोऑर्डिनेट में ही -2 है वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और सिंपली जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। सेम उसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए कॉमा लगा के हमने दूसरे ब्रैकेट में 0,0 और 1 को आपस में सॉल्व किया, 0-1 हो गया। सेम इसी तरह नीचे हमने 6--2, 3-1 ये कॉमा लगा के एक्स वाले अलग ब्रैकेट में सॉल्व किए, एक्स एक्सिस वाले वाई एक्सिस वाले अलग ब्रैकेट में सॉल्व किए। आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में भी एक्स और वाई वाले अलग अलग सॉल्व किए। फिर उसको देखिए आगे और सॉल्व करने के बाद हमें ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, 3--2 में ये 3+2 हो जाएगा दैट इज़ 5, ऊपर 0-1 में ये हो जाएगा -1, फिर नीचे 6-2 हो जाएगा मिलके 6+2 दैट इज़ 8, और 3-1 का हो जाएगा 2। अब हमारा केवल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बचा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने माइनस ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अलग, वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग। अब देखिए जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, -1 × 5 ये हमने एग्जीक्यूट किया, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, ठीक है। फिर प्लस विद इन ब्रैकेट ये -1 × -1, ये देखिए हमने वाई कोऑर्डिनेट वाला अलग सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये ऊपर का पोर्शन कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेशन का जो मेथड है ये आपको ध्यान रखना है कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी और फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे एक्स वाले और वाई वाले अलग अलग मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के दौरान, वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, ये आगे भी काम आएगा। फिर इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में भी हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 8 ये एक्स वाला अलग मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस वाई वाला अलग मल्टीप्लाई किया -1 × 2। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -5+1/-8-2 दैट इज़, इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो -4/-10 आ जाएगा। यहाँ पे डी हमारा जो डिनोमिनेटर है, आपको याद होगा इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हमें डिनोमिनेटर को मेन कंसीडर करना है, जिस पे हमारी दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, एक लेस देन ज़ीरो की और एक ग्रेटर देन ज़ीरो की। अब देखिए लेस देन ज़ीरो यहाँ पे हमको मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज़ द एंटरिंग पॉइंट।
अब इसी एंटरिंग और लीविंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे हम कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग करते चले जाएंगे, सॉरी टाइम को अलग अलग करते चले जाएंगे, जो T1, T2, T3 एंड सो ऑन T6 हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम T की सारी वैल्यूज़ को एंटरिंग और लीविंग पॉइंट के बेसिस पे हम सेपरेट कर लेंगे। जितनी वैल्यूज़ एंटरिंग पॉइंट के बिहाफ पे कैलकुलेट होंगी उनको अलग कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, और जितनी लीविंग पॉइंट के बिहाफ पे कैलकुलेट होंगी उनको हम अलग शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। सपोज T1, T2, T3 हमारी एंटरिंग पॉइंट आ रही हैं, मतलब T1, T2, T3 कैलकुलेट करते समय अगर D की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है तो हम उन तीनों T1, T2, T3 को अलग लिखेंगे, और अगर D की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो जिन जिन T के लिए D की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है उन T की वैल्यूज़ को हम अलग कर लेंगे। सपोज तीन वैल्यूज़ में हमें D ग्रेटर देन जीरो मिला और तीन में लेस देन जीरो मिला, तो उन तीनों को हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे दो पार्ट हो जाएंगे और दो ही कंडीशन है, D की लेस देन और ग्रेटर देन जीरो, तो दो ही सिचुएशन बनेंगी। कुछ वैल्यूज़ D लेस देन जीरो में कंसीडर होंगी, कुछ ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो दो सेट हमारे बन जाएंगे T के। उसमें T की कुछ वैल्यूज़ में D ग्रेटर देन जीरो होगा, कुछ में लेस देन जीरो होगा। फिर जब इस तरीके से दो सेट बन जाएंगे, फिर उन दोनों सेट में से हमको फिर से दो वैल्यू सेलेक्ट करनी होंगी। एक सेट में से हाईएस्ट वैल्यू कंसीडर करनी होगी और एक सेट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ T सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो जब हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ T हमें मिल जाएगा, तब हम उसको इस पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन में सब्सटीट्यूट करेंगे और P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो P के दो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, एक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ T के बिहाफ पे और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ T के बिहाफ पे। तो उन दोनों को ही हम बोलेंगे इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स। जो इस हेक्सागन को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उससे दो इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, तो वो दोनों एक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ T पे मिलेंगे और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ T पे मिलेंगे। लेकिन वो कब मिलेंगे? जब आप एंटरिंग पॉइंट के सारे T निकाल लेंगे और लीविंग पॉइंट के सारे T निकाल लेंगे। तो हमने इसमें से एक आपको निकाल के दिखाया है फॉर एंटरिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे D की वैल्यू लेस देन जीरो मिल रही है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब तक D कैलकुलेट नहीं हो जाता आप ये माइनस माइनस को आपस में कट नहीं करेंगे, इसको पूरा एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज D को आप गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। तो इसलिए आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, जो D निकल के आ रहा है उसमें सिंबल सहित उसको कंसीडर करेंगे, उसी के बिहाफ पे T को सेपरेट करेंगे। हमने जैसे कि यहाँ पे किया है, माइनस माइनस कैंसिल ना करते हुए D को माइनस 10 लेकर के हमने D लेस देन जीरो दिखाया है और उसे एंटरिंग पॉइंट में हमने पॉइंट आउट किया है। तो इसी तरीके से आप सारे T निकाल लेंगे। जब सारे T आपके निकल जाएंगे तो उसके बाद हम उनमें से एंटरिंग पॉइंट के सारे T अलग कर लेंगे, लीविंग पॉइंट के सारे T अलग करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, जब एंटरिंग पॉइंट के सारे T अलग निकल के आ जाएंगे, लीविंग पॉइंट के सारे T अलग निकल के आ जाएंगे, फिर उन दोनों सेट में से एक में से हाईएस्ट और एक में से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। किस में से हाईएस्ट वैल्यू लेनी है और किस में से लोएस्ट, ये हम आपको बताएंगे तब जब आप ये T की सारी बची हुई वैल्यूज़ निकाल के मुझे ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सी हाईएस्ट वैल्यू लेनी है और किस में से लोएस्ट वैल्यू लेनी है, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको इतना समय दिया न्यूमेरिकल पे, आप इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर T2, T3 एंड T6 तक की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, फिर मैं इसके आगे का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि किस में से हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, किस में से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है और कैसे उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके आगे का आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।